जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे लग रहा है आप लोगों को मेरे ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके मुझको बताइए। कि अब देखते तो बहुत लोग हैं पर कोई कमेंट नहीं करता यार, मजा नहीं आ रही ना बाबू। अगर एक दो लोग भी कमेंट करके बताए तो अच्छा नहीं लगेगा, पर ये लोग कमेंट नहीं करते बाबू। इनसे बोलो कमेंट करो। हाँ, इसे इनसे कहो कमेंट करो। ये तो जय श्री राम बोलो, चंचे जय श्री राम बोलो। ये तो मैं जय श्री राम कर रहा हूँ, पप्पा जय श्री राम कर रहा हूँ, पर तुम लोग कमेंट करके मुझको नहीं बता रहे हो। ये तो कमेंट साले दाढ़ी नोच रहे बड़े वाले। ये तो कमेंट करके मुझको बताओ कि पापा का ब्लॉग कैसा लग रहा है ना। ये कोई छाऊ बना रहे हट, हाथ खा जाओ क्या। पहले बोलो कमेंट करो, बोलो अच्छा जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, हाथ जोड़ के जय श्री राम कर दो, कर दो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम कह दो, जय श्री राम। तो भाई अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और कल डॉक्टर ममता के यहाँ गए थे, तो अभी उनको दिखाने के लिए अन्नू को लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर अभी 5 बजे तक बैठते हैं, तो जल्द से जल्द उनके यहाँ पहुँच जाए। अरे यहाँ बैठती हैं, मैं बैठता हूँ, बैठेंगे तो कुर्सी में ना। तो बैठते हैं, बैठती है, मैं बहुत फर्क करता हूँ। अरे लड़कियाँ नहीं कहती, लड़कों से कम नहीं है, तो बैठते के भी उनको कहा जा सकता है। तो बैठते हैं 2 से 5 तक, तो फिर चलो चलते हैं। तो ये कार देखिए एमजी की, बहुत ही अच्छी है ये, पर इसका प्राइस मुझे नहीं पता है, पर ना देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और 4 सीटर है, मतलब देखो आगे 2 लोग बैठे हुए हैं और पीछे भी 2 लोगों की सीट मुझे दिख रही है। और बूट स्पेस तो शायद इस पे होगा नहीं बिल्कुल, पर लेकिन लोकल में घूमने के लिए इलेक्ट्रिक कार इससे अच्छी आपको क्या मिलेगी। देखिये कॉमेट नाम है इस कार का, बहुत ही प्यारी लग रही भाई, बिल्कुल नैनो से थोड़ी सी छोटी, पर नैनो से थोड़ी सी बड़ी लगती थी। तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब बड़ी कार ना लो सिटी के लिए, छोटी कार वैसे भी अच्छा रहता है और प्रदूषण भी कम होता है। प्रदूषण होता ही नहीं मान लो उससे, ये जिससे मैं चल रहा हूँ इससे तो प्रदूषण ही प्रदूषण होता है, इन सब से भी प्रदूषण होता है। आपके पास जो कार उससे भी प्रदूषण होता है, तो ये मत सोचो कि मेरी कार से हो रहा है। तो डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए हैं और गाड़ी को यहाँ पार्क कर दें। ममता, डॉक्टर चले फिर। चलो नंबर लगेगा ना, वही तुरंत लगा देंगे नंबर। चलो तो अभी हम लोग अंदर गए हुए थे और अन्नू का नंबर लग गया है, रिसेप्शन पे बताया कि 4:30 बजे तक आना है। और ये फाइल बना दी है, लग रहा है बहुत बार बुलाएंगे तभी फाइल बना दी, अब क्या होता है। नहीं तो, बहुत बार नहीं बुलाएंगे, इसके अंदर एक पर्चा दिया हुआ, इसी पे दवा लिखेंगे जो भी हमको देंगे दवा। हमें तो पता नहीं है, तो बहुत बार क्यों कह रहे बुलाएंगे, पर्चा ही तो देखती है कि पर्चा दिखाइए अपना, जगह बार बार बुलाती है। ये रूल है कि तुम जाओगे तो तुमको यही फाइल दी जाएगी। हाँ तो हर बार यही फाइल लेके आनी पड़ेगी। अरे बुलाएंगे, देखो कितनी बार बुलाते हैं। चलो फिर अभी 4:30 बजे आते हैं, तब तक घूम के आते हैं कहीं से। अभी हम लोग घर से कुछ खाने को तो खा के निकले नहीं थे, तो फिर अभी हम लोग यहीं पे बगल में फेमस कचौड़ी इतनी पुरानी है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बढ़िया ये वाली कचौड़ियाँ खाते हैं, भूख भी लगी थी। कचौड़ी आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन टाइप की कचौड़ी है, उसके साथ रायता और छोला, क्या कहना, मज़ा ही आ जाएगा। अन्नू खा के बताओ जरा कैसी लग रही कचौड़ी, कैसी है? हर चीज़ बहुत अच्छी होती, ख़राब क्या है, अच्छी है ना। खाने में भी साबुदाने भी मंगाए हैं, खा के देखो कैसे, तो बताओ फिर डाल देंगे कैसे, तुम खाओ फिर, तुम खा ही रहे कैसा है। चिपक रहा है क्या भाई। खाने में भी लड्डू ले लिए हैं और बोतल उठा लो, कहाँ जा रहे हैं। किशन के लड्डू में जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उठाओ आओ, क्या दे रहे हैं। सॉक्स है बेटा, कितने के, कौन से लेना है, ये बेटे गर्ल्स है, ये वाले मेंस है। मेंस वाले दे दीजिए। अच्छा हाँ भैया, धर दीजिए। कितने के, एक चाहिए। ये ऐसे करके देना होता है बेटे, ऐसे करके देना होता है, पकड़ो।
इसमें एक दीदी के लिए दे दूं? नहीं वो नहीं पहनती हैं। अच्छा बेटा, ये एक चाहिए मेरे को, एक ले लेता हूँ मैं आपसे। ये सेट होता है देखो। अच्छा अच्छा, यस। कितने का है? 180 270 में तीन है तो बहुत महंगा है 180 का। सच कह रही हूँ, ये देखिए मॉर्निंग से आए थे, सब लोगों ने लिए। एक पीस ये कोई भी दे दीजिए, सेट क्या करेंगे हम? ये ब्लैक का एक दे दीजिए मेरे को। ले लो ले लो, आज ले लो, परेशान नहीं तो आप ये रख लो। ये नहीं चाहिए मेरे को, आप पकड़ो तो आपको मैं पैसे दे दूँ। नहीं नहीं आप ले लो, ये लो। पैसे नहीं लूँगी, मेहनत करके लूँगी। अच्छा अच्छा, यही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस किसी को ना कराए। गिनिए गिनिए, आप ले ले तो मेरा नुकसान ना होता। देखिए नहीं नहीं, मेरा होता है, जितनी जरूरत उतनी तो लेंगे। कितने गिन लीजिए? 10 का मेरे का ले लीजिए, ठीक है। तो भाई अभी जो दादी मिली हम लोगों को वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब वो सॉक्स जरूर 180 रुपए की दो जोड़ी दे रही थी और एक 190 रुपए जोड़ी दिया, मतलब कि अब वो सॉक्स मुझे पता है कि उसकी कीमत लगभग 50 रुपए ही है, 50-60 रुपए, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी सॉक्स थे लेकिन मैंने सिर्फ उनका दिल देखा, उनका भाव देखा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उनके जो सॉक्स वो मुझे दे रही थी मैं उससे वापस भी करने लगा। उसके बाद भी उनने बोला कि नहीं बेटा मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगी, मैं मेहनत करूँगी। तो वो देखो कितना, मतलब कि लोग अच्छे, और कुछ लोग होते कि ऐसे पैसे मांग रहे हैं मतलब, और उनको देने से अच्छा तो इन लोगों का सामान ही खरीद लो, भले ना उसको यूज करो, किसी और को ये सामान दे दो जाके तो उसके यूज में भी आ जाएगा और किसी का भला भी हो जाएगा। मतलब उनको फ्री के पैसे नहीं चाहिए, तो यार ऐसे लोग होने चाहिए दुनिया में। तो एज भी कितनी ज्यादा है, मतलब कि ऐसा नहीं हो उनके लड़के बच्चे ना हो, भगवान अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, तो भी मेहनत कर रहे हैं। अगर हैं तो फिर उनके लड़के बच्चों को तो उनको देखना ही चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सलूट है इन दादी को मुझको। तो फिर अभी चलते हैं कहाँ पे, बेसन का लड्डू देख रो, मस्त है ना। खरबूजे के बीज पड़े हैं क्या? खरबूजे के बीज हैं, बादाम है, बस दो ही चीज अभी तो दिख रही है, बाकी अंदर चली गई पता नहीं। अरे अभी टाइम काफी बचा हुआ है, कम से कम 1 घंटा, तो हमने सोचा यार मेरे पास जूते नहीं थे, मुझे तो ले लिए, तो एक जोड़ी जूते भी ले लिए हैं। तो अभी हम लोग रेड टेप के शोरूम में आए और अंदर चल के चलो शूज देखते हैं। लग रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है, साइज भी ठीक है, साइज भी ठीक है। भाई मैंने ये 4 शूज पसंद किए हैं, आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है। लग सब अच्छा रहा है ना, ये वाला थोड़ा अलग लग रहा है ना, ये पहले निकलवाया था। हाँ, ये वाला तो निकलवाया था हमको, तो सबसे अच्छा यही लग रहा है। कौन सा? ये वाला और इसके बाद ये वाला। ये अच्छा लग रहा है, एक ही अच्छा लग रहा। तो भाई कमेंट करके बताओ कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। तो अभी ये वाले शूज पहन के ट्राई करके एक बार देखते हैं। भाई थोड़ा सा लूज लग रहा है ना, लेकिन फिर अगर एक छोटा लगा तो तुमको दिक्कत होगी, है ना? हाँ फिर भी बहुत छोटा लगेगा, लेकिन कहो अभी कुछ दिन सही हो जाए वो भी होगा ना, फिर छोटा फिर तुम्हारा टाइट भी ठीक लग रहा है देखने में, बड़ा तो नहीं लग रहा पैर पे, क्योंकि समझ में आने लगता है ना अगर बड़ा लगता है तो। बड़ा होता ना 7 नंबर बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है, पैर निकलने भी लगता है। बूट टाइप का है ना, ये नहीं अच्छा लग रहा? नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल वो अच्छा लग रहा था जो साइज भी नहीं है तो उसका हटा। भाई 3 जोड़ी शूज पसंद आ गए हैं, 3 pair, 1, 2, 2 मेरे और 1 अन्नु का, तो इसकी भी करा लेते हैं बिलिंग, फिर उसके बाद चलते हैं। ये देखो प्राइस है जो हमको कि 5759 रुपये का पड़ा हुआ है, और हमने कैरी बैग तो लिया नहीं क्योंकि हमारे पास तो गाड़ी है। ये भी एक लोग देखा था ना, तो ऐसे रख दिए थे, पापा कह रहे थे डिग्गी भर रहा है पैसों से।
तो रखे हुए पकड़ो आओ तो भाई शूज तो ले लिए, दो जोड़ी हमने लिए, एक जोड़ी अन्नू ने, एक जोड़ी स्लीपर ले ली। तो भाई शॉपिंग भी हो गई, घर से निकलना मतलब पैसों को खर्चा करना बराबर है क्यों? हाँ ये तो है, घर से निकलो तो पैसे खर्चा होने लगते क्यों? कितना बज गया? कितना बज गया? 4 बजने वाला है, आधा घंटा लगेगा अभी, आधा से। हाँ भाई 4:30 बोला था, अब पाई ले आ जाएगा नंबर। 4:45 के बीच में बोला था, 4:45 कितना होता है मतलब कि 4 बजे 5 बजे में 15 मिनट कम पौने में समझ नहीं आता। चले भाई चलते भाई, ठीक चलते चलो। हाँ चलो भाई, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, बढ़ा के लोग थोड़ा नंबर देते हैं कि भीड़ ना लगे। चलो फिर चलो। भाई हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके क्लिनिक तो आ गए हैं, अब चलते हैं अंदर, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर हमें बुला लेंगे, फिर चेक कराते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो भाई अभी इधर मैम को दिखा दिया और इन्होंने 1 मंथ की दवा दे दी और बोला कि दोबारा आने की तुमको जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास एक महिंद्रा से कॉल आया, विजय इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल है तो वहाँ पे हम दोनों को जाना है। और जो मैंने गाड़ी स्कॉर्पियो यन ली थी, परचेज की थी, तो उनके जो महिंद्रा के रिजॉर्ट वगैरह हर शहर में है, तो उसके लिए वो हमें वहाँ पे क्या बोलते हैं वाउचर वगैरह देंगे, जिससे हम लोग घूमने के लिए जब जाएंगे तो वो 6 मंथ के लिए कुछ बता रहे वैलिड है। बाकी वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा क्या होता है, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो भाई अभी हम लोग विजय का लिखा साला, ये इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल पता नहीं क्या है, तो यहाँ पे देखो पहुँच गए हैं और बाकी तो अब अंदर जाके पता चलेगा। हाँ अजीब नाम नहीं, विजय इंटरनेशनल डर देते हैं, हम तो बचपन से भी यही पढ़ते चले आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी है पता तो है क्या नहीं, चलते अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। कि अभी महिंद्रा वही विजय कॉन्टिनेंटल से निकले और देखा साले चूतिया बना रहे थे, अब वो हमें चूतिया बना रहे थे। मैं इतना घूमता हूँ पूरी दुनिया, कह रहे हैं कि आप ये हमारा महिंद्रा रिजॉर्ट का आप ये पैकेज ले लीजिए, 4 ईयर था, एक 10 ईयर था, एक 15 साल, एक 20 साल। तो जो 4 ईयर वाला था वो था लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये का, और जो बोल रहे थे कि आपका 15 साल के लिए है, 15 साल नहीं नहीं सॉरी 10 साल का था जो 12.5 लाख रुपए का। यार अब ये बताओ यार, अब वो भी देखो जब तुमने एक पैकेज ले लिया तो तुमको 1 साल में 7 दिन और 7 रात 8 दिन वो लोग दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें तुम पहुंचोगे तो बता दिए कि फूड वूड वगैरह आपका रहेगा, जाना वाना सब आपका रहेगा। तो भाई चलो ठीक है, खाने पीने में 25% डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, चलो मान लिया यार 1000 रुपये खाना खाया, 250 रुपये छूट गया, ठीक है। अब ये बताओ भाई, अगर हम 1-1.5 लाख रुपये दे के एक साल का मान लो पैकेज भी लेते हैं और उसमें हमको 7 रात 8 दिन मिलेंगे, हमने कहा बार बार जाएंगे हम घूमने के लिए, तो कहते नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, आप साथ क्या मतलब है यार, इतना पैसा फूक के सब करो। लड़ाई हो गई, वापिस आ गए हाथ जोड़ने लगे, सर सर आप तो नाराज हो रहे हैं, सर तो नाराज ही होंगे ना, सर को आप चुती हो रहे। हमने कहा जाओ किसी बड़े आदमी को फांसो जाके, हमें नहीं फांस पाओगे तुम, हम गए दुनिया हम फांस रहे हैं, हमें फांसने चले हैं फाइनली गाइस मैं घर पहुंच गया हूं। अगर
और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैंने एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर वो टाइम लैप्स आपको पसंद आता है तो उस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कल के दिन टाइम लैप्स लेके आऊँगा जो आपकी बहुत ही पसंद आएगा। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।